नमस्कार, घर का शेफ राम अर्चना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इमली की मीठी चटनी बनाएंगे। ये चटनी बहुत ही बढ़िया लगती है और ये बहुत आसान है बनाना। इसको हम समोसे के साथ खा सकते हैं, कचौड़ी के साथ खा सकते हैं और दही भल्ले के साथ खा सकते हैं, पापड़ी चाट, किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। तो मैंने देखिए, इमली की मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे इमली लिया है मैंने। 50 ग्राम इमली लेके उसका पल्प निकाल के यहाँ पे रखा है। और ये 200 ग्राम गुड़ है। आप गुड़ थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। और तरबूज का बीज है, आप खरबूजे का बीज भी ले सकते हैं या दोनों मिला के ले सकते हैं, इसको मगज भी बोलते हैं। और आधा छोटा चम्मच मैंने काला नमक लिया है, आधा छोटा चम्मच सादा नमक लिया है और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच अदरक पाउडर है यहाँ पे, जिंजर पाउडर। तो और उसके अलावा मैंने देखिए यहाँ पे एक पिंच हींग लिया है और थोड़ा सा जीरा लिया है, साबुत जीरा। और हमको आधा चम्मच तेल चाहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। तो इसमें हम आधा छोटा चम्मच तेल डालेंगे। आप चाहते हैं तो तेल मत भी डालिए, बिना तेल के भी इसको बनाइए। जीरा कढ़ाई में ऐसे ही भून लीजिए, लेकिन मैंने बहुत थोड़ा सा तेल डाला है यहाँ पे, आधा चम्मच से भी कम तेल मैंने यहाँ पे लिया है। तेल गरम हो गया है तो इसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा चटकने देंगे। जीरा चटक गया है तो ये हींग इसमें डाल देंगे और अब ये इमली का पल्प इसमें डाल देंगे हम। अब इसमें हम ये गुड़ भी डाल देंगे। गुड़ मैंने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिया है। एक बाउल इमली का पल्प था तो हम इसमें एक बाउल पानी भी डाल देंगे और गुड़ गलने देंगे। गुड़ गल गया है तो इसमें हम दोनों नमक डाल देंगे, सादा नमक और काला नमक, और ये अदरक पाउडर डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसको लो टू मीडियम गैस फ्लेम पे पकने देंगे। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं और किशमिश भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। मैंने इसमें तेल बहुत कम डाला है, हलवाई इसमें बहुत ज़्यादा तेल डालते हैं और या तो बिना तेल के भी बनाते हैं, वो दो तरह से बनाते हैं, या तो बिल्कुल तेल नहीं डालते हैं, या बिना तेल के बनाते हैं या तेल से बनाते हैं। इसको थोड़ी थोड़ी देर पे हम ऐसे चलाते रहेंगे। ये देखिए, अब ये जमने लगा है, अब ये बिल्कुल मतलब पक के तैयार है। बस इसको हम एक मिनट और रखेंगे, फिर गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो एक मिनट रखने के पहले ये देखिए, इसमें हम मगज डाल देंगे और एक मिनट के बाद हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। एक मिनट हो गया है, देखिए चटनी बनके तैयार है। तो इसको चेक करने का ये तरीका है, ऐसे थोड़ा सा लेंगे और थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए चिपक रहा है, ये तो शहद से थोड़ा सा ज्यादा ये चिपकना चाहिए। तो अब ये देखिए ऐसे, तो बस अब हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए, इमली की चटनी बनके तैयार है। ये बहुत ही बढ़िया बनी है, मीठी तीखी चटपटी है ये। इसको आप किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर मेरी ये इमली की चटनी बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।